जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। आपण श्रवण करुथिले महाप्रभुंकर कथा। मोर बड़ भाई पंडित श्री पद्मनाभ त्रिपाठी प्रथमे कहुथिले, तापरे परे मध्य महाप्रभुंकर से बड़ भाई मध्य भजराम शतपथी महोदय मध्य कहुथिले आपणंकु श्रवण कराउथिले महाप्रभुंकर से पटिदियंकर विषय रे। ये जेते बेले महाप्रभुंकर कथा चली थाए पटिदियंकु मध्य आपण दर्शन करुछंती, अवकाश नीति मध्य महाप्रभुंकर चली थिला, से समस्त प्रकार नीतिकांति को मध्य आपण दर्शन करुछंती। ये दर्शन करिवा भितरे महाप्रभुंकर मध्य आपण जेते बेले पटिदियंकु दर्शन करुछंती, देखुछंती किपरि भावरे महाप्रभुंकर मध्य वर्णना गोटिए रहिछि। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षण सहार वक्षस्थल कौस्तुवस्त्रियम नवामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज नारायण पटिदियंकर आपण दर्शन करुछंती। ये पटिदियंकर जेते बेले दर्शन करुछंती आपण, सेते बेले मध्य आ गोटिए पार्श्वरे मध्य महाप्रभुंकर श्रीमंदिर मध्य दर्शन करुछंती। ई श्रीमंदिर रे विराजमान करथुबा समस्त देवादेवी विराजमान करिछंती। तंक भितरे मध्य नीलमाधव रहिछंती, नील सुंदर नीलमाधव बोली कहा जाइछि। से नील सुंदर नीलमाधवंकर विषय रे कहिंकि ना महाप्रभुंकर जते बेले जगन्नाथंकर न आसीबा पूर्वरु, जगन्नाथंकर रूप न धारण करिबा पूर्वरु, महाप्रभु जे रूप रे पूजित हेउथिले से होछंति के ना नीलमाधव। से नीलमाधवंकर विषय आगरु मध्य केतेकांशरे मध्य श्रवण करिछंति, किंतु महाप्रभुंकर कथा जिते शुणिले मध्य से किछि ना किछि ता भितरे रही जाइथाय रहस्य। सेभले भावरे ए बेढ़ा भितरे नीलमाधव विराजमान करिछंति। ता भितरे तो निश्चित भावरे जानिबा आज द्वादशी तिथि। ये द्वादशी तिथि रे महाप्रभुंकर काली तो सुस्थ हवार वातावरण मंदिर भितरे खेली जाइछि, कहीं घंट बाजिछि। तुलसी महाप्रभु लगेइछन्ति एकादशी ठारु, तुलसी जहाँ लगाउ नथिले महाप्रभु केवल शुक्ल पुष्प धारण करुथिले, आज किंतु महाप्रभु काली ठारु रंग बेरंगीर पुष्प मध्य महाप्रभु लगेइलेनि भितरे महाप्रभु जो गुप्त नीति चली। आज से सुस्तर वातावरण सुस्तर संवाद संपूर्ण भाव राजप्रसाद पाख को जीव, राजांकर पाख को जीव, जहाँ को राजप्रसाद विजय बोली कहा जाए। ये राजप्रसाद विजय ये मध्य स्वतंत्र नीति, जहाँ को मध्य स्वतंत्र भाव नीतिकांति रे मध्य समाहित करा जाइछि। ए नीतिकांति पाई दैतापति सेवक मानंकर माने ता सहित पति महापत्र सेवक मध्य महाप्रभुंकर से भारी थिबा आरोग्यर समस्त प्रकार रा वार्ता को नहीं पहुँचिबे। चाधेरे मध्य गोटिए पात्र द्वारा महाप्रभुंकर अंग लागी किछि वस्त्र, किछि महाप्रभुंकर कराल चंदन मानंकु मध्य नहीं करी जाइथंती, ताकु मध्य आज दर्शन करिवे। एभली भावरे महाप्रभुंकर द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी रे महाप्रभुंकर तापर अमावस्या रे महाप्रभु उभावे, जहांको उभा अमावस्या बोली कहा जाइथाय। युभा मस्या रे महाप्रभु भाई सल्ला परे परे समस्तंकु दर्शन दे थांती महाप्रभु। एबे किंतु आपण मंदिर भीतर को गले पटिदियंकर दर्शन करिवे, पटिदियंकु दर्शन करी महाप्रभुंकर से दर्शन र फल प्राप्ति हवार जो संवाद रहिछि ताकु मध्य दर्शन करिवे। महाप्रभुंकर नीलमाधव मंदिर भीतर बेढ़ार प्रतिष्ठित भुवनेश्वरींकर मंदिर उत्तर पार्श्वरे नीलमाधव अवस्थित। सत्यलिपि उल्लेख्यरे प्रकाशर प्लॉट नंबर
57 उत्तर पश्चिम कोणर उपरोक्त मंदिर टी रही अछि। किंवदंती अनुसार राजा शबरराज विश्वावसु प्रथमे नीलमाधव को पूजा करुथिले। नीलमाधव केवल विद्यापति ब्राह्मण ओ देवता मानंकर दर्शन प्रदान करी अमित अनुकंपा प्रदर्शन करिथिले। श्री जगन्नाथंकर आविर्भाव पूर्वरु श्रीक्षेत्र रे अप्राकृत नीलमाधवंकर पूजा अर्चना वंदना करिबा सहित पूजा मूर्ति पूजा पाउथिले। परे इंद्रदुम्न महाराज श्रीमंदिर मध्यरे श्रीजीव मानंकर विग्रह प्रतिष्ठा करी पूजा कला परे परे प्रथमे पूजा पाउथुबा से नीलमाधव विग्रहंकु एही मंदिर एक क्षुद्र मंदिर प्रतिष्ठा करी पूजा करिवार स्थापना मध्यरे स्थापना करी पूजा कराइबार व्यवस्था कराइले। अन्य एक किंवदंती अनुजाई गालमाधव मूर्ति को रत्न सिंहासन उपरे पूजा करुथिबार कथा मध्य आसी थाए। इंद्रदुम्न एहाकु एठारु स्थानांतित स्थानांतर करिथन करिछंति। एपरिकी पुराण वर्णना अनुसारे विद्यापतिंकु ओ विश्वावसुंकु भगवान स्थान निर्देशन प्रसंगरे नीलमाधवंकर रोहिणी कुंड ओ अक्षयवटर मध्यस्थ निकुंज भितरे अवस्थान करिछंति बोली सूचना मिलिथिला। स्कंद पुराण अनुसारे रोहिणी कुंडर पूर्व दिगरे नीलमाधवंकर अवस्थिति किंतु परवर्ती समय रे मंदिर उत्तर पश्चिम कोण रे एही विग्रहंकर ओ मंदिर प्रतिष्ठित होइथिबा जणा जाइथाय। नीलमाधव तत्व संपर्क रे व्याख्यात दार्शनिक पंडित मानंकर मत देखि जते बेले नेबे नील मा औ धव ए तीनी तत्वरो यथाक्रमे जगन्नाथ होउछंती नील सदृश नील बोली कह जाए था नील नीलांबर बोली मध्य कह जाए था। माँ होउछंती भद्रदात्री सुभद्रा माधव होउछंती बलभद्रंकर उन्मेष। जैन्य धर्मचक्र कालांतरे दर्शन सुदर्शन चक्र रूपरे गृहित भगवान श्रीकृष्ण श्रीमन्नारायण ओ पतित पावन जगन्नाथ जहाँ माधव नाम रे सर्वजनित सर्वजन विदित बोली कह जाए थाए। स्कंद पुराण वैष्णव खंड पुरुषोत्तम महात्म रे नीलमाधवंकर वर्णना मध्य रही। अपर पक्षे सच्चिदानंद परम ब्रह्म तांकर मध्य इठारे सतार अर्थ इठारे देखिबा को पड़िथाए। नीलमाधव एक दार्शनिक अर्थ प्रदान करिथंति ताहेला नील युक्त मा युक्त धव यहार अर्थ हेउछि कण ना संपूर्ण भावरे दार्शनिक तत्व रे निष्कर्ष कले जन आउ शुक्ल ता भितरे नीलमाधवंकर तत्व रहिछि। ए तीनी तत्व को संभवत यथाक्रमे जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र उन्मेष भावरे स्कंद पुराण रे नीलाद्रि महोदय वामदेव संहितारे देउळ तुला इत्यादि ग्रंथरे श्री नीलमाधवंकर वर्णना प्रणिधान योग्य यथा देव श्रृणु माधवस्य पंचम्या शुक्लपोक्षणे जीववारे पिजात्रां च कुरु शीघ्रं नृपोत्तमं नृपोत्तम। आवरी मध्य कथा सिथाए नीलाद्रि महोदय ग्रंथरे कौन लिखा जाइछि ना रोहिणी कुंड संभूतम जले स्नत्वा दिने दिने
माधवं दृष्ट्वा वात्वानि भक्ति मुक्ते प्रदायकं तत्र नीलाचले रम्ये माधवं नीलसुंदरं दैवे समर्चिते स्त्रास्त्रास्ते तस्त्यमीपे महाबटे महाबटर कथा सेठारे प्रमाण दिया जाइछि परिदृश्यमान श्री नील माधव यहाँ उच्चता प्रायत 34 फुट रेख श्रेणी मंदिर टी गर्भगृह जगमोहन एपरि दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि महाप्रभुंकर नीलमाधवंकर मंदिर को तापरे परे अपन देखिबे एही पूर्वरु नीलमाधवंकर विग्रह नीलाचल पर्वतर एक गुंफारे पूजा पाउथिलबार जनश्रुति रु रहिछि। मंदिर उत्तर पार्श्वरे 2 फुट उच्चता विशिष्ट त्रिविक्रम पृथ्वी देवींकु एक पाद उपरे टेकी धरिवार चतुर्भुज विशिष्ट एक विग्रह डाण पार्श्वरे मध्य हस्तरे चक्र इभली भावरे मध्य देखिबाकु प्राप्ति होइथाय। गोटिए कथा समस्ते जानिबा दरकार नीलमाधव मध्य चतुर्भुज नारायण कौन धारण करिछंती ना बाम हस्तरे शंख निम्न हस्तरे बामर निम्न हस्तरे गदा से भली भावरे डाहाण ऊपर हस्तरे चक्र तल हस्तरे पद्म थिबा बेले इभली भावरे तंकर दर्शन मिलिथाय। से मंदिर रा दक्षिण पार्श्वरे अनेक देवादेवी मध्य रहिछंती जेपरि भावरे तंकर मंदिर रा दक्षिण पार्श्वरे महालक्ष्मींकर मंदिर बाम पार्श्वरे मध्य महाप्रभुंकर बाम पार्श्वरे मध्य स्वतंत्र भावर सहित बाम पार्श्वरे महालक्ष्मींकर मंदिर किंतु आपण देखिबे आपण जेतेले महाप्रभुंकु देखुथिबे आपणंकर डाण पार्श्वरे महालक्ष्मींकर मंदिर आपणंकर बाम पार्श्वरे आगे मध्य सरस्वतींकर मंदिर रहिछि सरस्वती सावित्री गायत्री मनसा देवी ता सहित विमला देवींकर मंदिर दर्शन करि सल्ला परे परे आपण देवींकर देखते बेले देखिबे सेते बेले निश्चित भावरे भुवनेश्वरींकर मंदिर सेठारे विराजमान भुवनेश्वरींकर मंदिर भीतर परे परे से नीलमाधवंकर मंदिर दर्शन मिलिथाय। एठारे मध्य नीलमाधवंकर मंदिर मुख्य द्वार उच्चरे 4.5 फुट एवं ओसार 3 फुट अटे द्वारबंध उपरे पार्श्व नवग्रह विराजमान होइथिबा बेले केतकांशरे महाप्रभुंकर चित्र प्रतिमा मध्य सेठारे पूजा होउछि ता सहित गरुड़ स्तंभ ब्रह्मा शिव इत्यादि चित्र मध्य करा जाइछि दृश्यमान होइथाय। जगमोहन आयतन लंबा हेउछि 16 फुट एवं ओसार 8 फुट अटे गर्भगृहर लंबा प्रस्त 8 फुट रे 8 फुट अटे 1.5 फुट उच्चता विशिष्ट महाप्रभुंकर सिंहासनर लंबा हेउछि 8 फुट एवं प्रस्त 1.5 फुट अटे नीलमाधवंकर विग्रह उच्चता 2 फुट तंकर पाखरे मध्य कृष्णवर्म प्रस्तर फलकरे सूचना चारु कला शंख चक्र गदा पद्म बरद मुद्रारे शोभा पाउथुबा पद्मधारी मनोहर नीलमाधव मूर्ति दंडायमान भंगिरे विराजमान करिछंती। नीलमाधवंकु जते बेले दर्शन करिबाकु समस्ते जानती से नीलमाधव विग्रह अधिष्ठित हेउथुबा प्रभा उपरे मध्य अनेक प्रकार देवादेवींकर चित्र सेठारे रहिछि जेपरि भावरे बाम पार्श्वरे भूदेवी रहिछंती तंकु मध्य कहा जाइथाय सरस्वती मध्य ताहा मध्य प्रतियमान होइथाय कहिंकि ना बिना वादन करुथुबा बेले
तही उपरे गंधर्व कन्या माने माधवंकर सेवा नियोजित करिवार मुख्य विग्रहंकर दुई पार्श्वरे दुईटी अलस कन्या विराजमान मध्य रही छंती पुष्पहार धारण करिकी प्रभार शीर्ष भाग रे जाको मुख्य भाग बोली कहा जाए से शीर्ष भाग रे वज्र मस्तक मध्य रही नीलमाधव विग्रहंकर डाहाण पार्श्वरे एक फुट उच्चता विशिष्ट कला मुगुनी प्रस्तर रे निर्मित वंशीधारी कृष्ण विग्रह रहुथिबा बेले बाम पार्श्वरे दुई फुट उच्चता विशिष्ट दारुमय विग्रह विराजमान करिछंती जहांको पतित पावन बोली कहा जाए था माधव मध्य कहा जाए था मध्य माधव भाव स्मरण करा जाए थिबा बेले बेले गवेषकंकर मतानुजाई श्रीकृष्ण नीलमाधव ओ जगन्नाथ ये त्रिदेव माधव नाम रे परिचित मध्य श्री नीलमाधव मंदिर टी दैतापति निजोग तत्वावधान रही सत्वलिपि मुताबक श्रीमंदिर रे थिबा नीलमाधव विग्रह को दैतापति निजोग सेवा करती निजोग मध्यरु जनिक दैतापति को यह सेवा वार्षिक नीलाम सूत्र रे दिया जाय थाय संप्रति दीर्घ 20 वर्ष धरी दैतापति सेवक श्री लोकनाथ दास महापात्र निजोग ठारु कर सूत्र रे नहीं महाप्रभुंकर सेवा करुछंती विग्रहवानंकर सेवा पूजा दायित्व रे रहिछंती यहांकर उद्यम रे केतेक नूतन वेश अन्यान्य बहुत परिपाटी मध्य महाप्रभुंकर पाखरे रही थाय सत्वलिपि उल्लेखरे प्रकाशरे नीलमाधव दैनिक नीति सकाशे कोराठारु वल्लभ एकौली वल्लभ कोरा एकटी सान काकरा दुईटी मिलिथाय वर्तमान रे सेवा पूजा निर्वाह करुथुबा श्री लोकनाथ दास महापात्र वल्लभ कोरा इत्यादि मिलु नथिवार प्रकाश मध्य केतक अंशरे करिथांती ताह मध्य ठीक होई पारिथाय निज सूत्र निजर समस्त प्रकार रो देयरे जहा भक्तमान जा देथंती ता ध्यरु ही महाप्रभुंकर सेवा पूजा चलिथाय आउ निजर किछि अनुष्ठान बा निजर केते केते अंशरे मध्य किछि अर्थ नियोजित करी से मध्य महाप्रभुंकर सेवा पूजा करिथंती नीलमाधव दैनिक नीति मध्य प्रत्युषे मंगल आरती स्नान बेश खईकोरा कदली भोग मध्य होइथाय एवं रात्र रे छेना सर राविड़ी खई कदली इत्यादि मध्य भोग होइथाय रात्र भोग परे परे ठाकुरंकर बड़ सिंहार बेश हेबार संगे संगे नख तुलसी विभिन्न पुष्पहार इत्यादि लागी करा जाइथाय एहि मंदिर टीर विशेषत एतिकि जे ठाकुर मानंकर विशेष स्नजानी यात्रा इत्यादि रे यथा पहंडी सहित विमान रे चलंती ठाकुर मानंकर विजे ओ मंदिर सम्मुखरे दे जाउथांती एतत व्यतीत नीलमाधवंकर विग्रह एपरि भाव रे प्रतिष्ठित होइछि जे जेउ माने कि प्रत्येक दिन सूर्य उदय समय रे सूर्यदेवंकर प्रथम किरण नीलमाधवंकर पाद पद्म उपरे पड़ी थाए प्रथमे महाप्रभुंकर सूर्य उदय रा प्रथम किरण महाप्रभुंकर केउठी पड़ी थाए मंदिर भितरे ना महाप्रभुंकर सेई नीलमाधवंकर पाद पद्म रे पड़ी थिबार तत्व मध्य रहिछि ता मध्य समस्ते देखि जंती एही मंदिर रा विराजित जगन्नाथ बापतित पावन महाप्रभुंकर वामन वेश कार्तिक मास रे राधा दामोदर वेश पंचुकरे लक्ष्मी नारायण वेश नागार्जुन वेश कृष्ण बलराम वेश कालियदलन वेश पद्म वेश वनभोजी वेश इत्य बहुत वेश मध्य महाप्रभुंकर जहा जहा वेश होई थाए सेठारे मध्य सेई वेश मध्य करिथांती
महाप्रभु पतित पावन को श्री लोकनाथ दास महापात्र निज खर्च उपरोक्त वेश मान कर प्रकाश करतेक शिल्पी मिस्त्री कारुकार्य मान करी एवं नीलमाधव विश्वकर्मा रूप से स्मरण करी प्रतिवर्ष एठारे विश्वकर्मा पूजा मध्य करा जाए से माने तंकर व्यवहृत सारंजमी सामग्री मान को मध्य एठारे स्पर्श करी थांती नीलमाधवंकर मंदिर मरामती दायित्व भारतीय प्रत्नतत्व विभाग उपरे नेस्त होई दर्शनार्थी जथा भक्त माने बेढ़ाकर परिक्रमा करिबा समय रे नीलमाधवंकु दर्शन पूर्वक प्रणाम जणै थांती मुक्ति चिंता मणि ग्रंथ रे उल्लेख अनुजाई श्री नीलमाधवंकर ध्यान मध्य रहिछि से ध्यान कण नीलाद्रिसं शिखरासनम नमामि नीलमाधवं प्रणतार्तिहरं देवा शरणांगत रक्षक प्रणतार्ति हरं देवा शरणांगत रक्षक अर्थात हे नीलमाधव तुम्हें नीलाचल अग्रभागरे अवस्थान करियछ तुम्हें प्रणत लोकंकर दुख नाशक तुम्हें शरणार्थी शरणादयक तुम्हको प्रणाम करुछी तुम्हको नमान करुछी ये भाव तंकर मध्य सेतेबेले स्तोत्रादि पाठ करिकी तंकु वंदन करा जाय थाय नीलमाधवंकर जेतेबेले आपण महाप्रभुंकर मंदिर भितर को जाउछंती निश्चित भाव नीलमाधवंकु दर्शन करिबा सहित नीलमाधवंकर से मंदिर रे जाई प्रणाम पूर्वक थरे देखंतु उदयकालीन सूर्यंकर प्रथम किरण पड़ुछि ना नाही पड़ुछि किपरि भावरे ताहा मध्य निश्चित भावरे थरे दर्शन करंतु ये दर्शनात भवेत मुक्ति कहा जाइछि दर्शन द्वारा ही महाप्रभु मुक्ति देथांति आज होउछि रज संक्रांति मध्य ये रज संक्रांति रे केतकांश पचारी थांति आज आमे घरे प्रत्येक संक्रांति हवन करी थांति आज आमे होम बा हवन करिबु ना नाही बसुमतींकर त संपूर्ण भावरे तंक उपरे किछि कष्ट दबा पाई मना करा जाइछि ये अग्नि द्वारा तंकु कोन कष्ट हेबो नाही तंकु किपरि भावरे पूजा अर्चना कोन करी हबो ना किपरि भावरे तंकर सेई जो हवन करा जीव निश्चित भावरे जे नित्य बा प्रत्येक दिन हवन करुछंती से मध्य हवन करी परिवे आउ जे मध्य महाप्रभुंकर से भली भावर तत्वर सहित जे प्रत्येक संक्रांति रे हवन करुछंती से मध्य हवन निश्चित भावरे करी परिवे एथिर तिले मात्र संदेह नाही महाप्रभुंकर हवन करी बारे कहीं ये हवन द्वारा पुष्टि करा जाइथाय महाप्रभुंकर संपूर्ण भावरे पुष्टि करा जाइथाय कहार ना महाप्रभुंकर से विशेष भावर कथा जेतेबेला आसीथाय तंकर देवता माननकु हवन करिबा द्वारा तंकर शरीर पुष्ट होइथांति सेथिपाई महाप्रभुंकर ए नीतिकांति सारा जगत रे जेपरि भावरे आपण माने पालन करुछंति निश्चित भावरे ताहा मध्य पालन करंतु घरे हवन करंतु हवन करिबा द्वारा महाप्रभुंकर से अनुकंपा को आपण प्राप्ति होइथांति से अनुकंपा को आपण काहिंकि बा छाड़िबे आपण देखु दर्शन करुछंति पटिदियंकु पटिदियंकर दर्शन सहित किपरि भावरे वेश मध्य सरिलाणी माळ लागि सरिलाणी विभिन्न प्रकारर मध्य माळ लागि होइछंति ताहा मध्य आपण दर्शन करुछंति जेतेबेले एही महाप्रभुंकर दर्शन करुछंति सेतेबेले निश्चित भावरे महाप्रभुंकर नाम स्मरण करिबा निहाती भावरे आवश्यक से नाम को जप करिबा द्वारा आज भली दिन जेकि संक्रांति रज संक्रांति
जाको मिथुन संक्रांति मध्य कहा जाय थाय। ए संक्रांति रे कहीं ना गोटे गोटे संक्रांति जिते बड़े गमन करी थाय तार किछि ना किछि प्रभाव मध्य रहिछि। से भली भाव रे महाप्रभुंकर समस्त प्रकार रो इठारे मध्य रहिछि किंवदंती तत्व अनुसार महाप्रभु यही भाव रे किछि ना किछि पालन करंती। से भली भाव रे देखिबा को गले महाप्रभुंकर जिते बड़े समस्त प्रकार रो तत्व को जना पड़ी थाए सेते बड़े जना पड़ी थाए ये महात्म्य समस्तंकर विषय रे समस्त देवतांकर महात्म्य सब मध्य रही महाप्रभुंकर जेपरी भाव रे आज संक्रांति रे ये संक्रांति रे मध्य महात्म्य रही कहीं ना ये संक्रांति रे किपर भाव रे संक्रांति आपण करिवे संक्रांति को किपर भाव रे पालन करिबा दरकार ताहा मध्य स्वतंत्र भाव रे रही ये संक्रांति रे आज रे जो संक्रांति ये स्वतंत्र भाव रे सहित कहीं ना महाप्रभुंकर ये धरा पृष्ठ रे संपूर्ण भाव रे मिथुन राशि रे रवि महाग्रह जाको कहा जायथी प्रथम बोली कहा जायथी ग्रहराज से ग्रहराज संपूर्ण भाव रे चलन करिवे गोटे गोटे राशि को जते बेले चली थांती ग्रहराज प्रथम रे रवि तापरे चंद्र से रवि महाग्रह जो राशि को चली थांती से ही कहीं ना गोटे सूर्यमान रही गोटे चंद्रमान रही आमर से सूर्यमान हिसाब से देखा गले महाप्रभुंकर ये मध्य धरा पृष्ठ को संपूर्ण भाव रे से गोटे गोटे ग्रह रु आ गोटे ग्रह को गमन करी थांती जो गमन को कहा जाय थाए कौन राशि चलन बोली मध्य कहा जाय थाए ग्रह चलन बोली कहा जाय थाए। से भली भाव रे राशि चलिबा सहित ग्रह माने मध्य महाप्रभुंकर से चली थांती आपण माने मध्य दर्शन करथिवे निश्चित भाव रे पतित पावनंकर तो दर्शन मिलुनी पटी दियंकर दर्शन करुछंती ई पटी दियंकर जते बेले दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर दर्शन र शुभ सुजी शुभ सुजग मध्य प्राप्ति होउछंती सीधा प्रसारण रूप रे पटी दियंकर दर्शन सहित आपण माने मध्य दर्शन करुछंती कहांकर ना महाप्रभुंकर सहित आपण दर्शन करुछंती से पतित पावन बानार पतित पावन बाना जो पतित पावन बाना सदा सर्वदा कही था पतित उधारिबा पाई पतित पावन बाना उड़ी थाए से पतित पावन बाना उड़ुछि आपण दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर ई आज रज संक्रांति सहित राजप्रसाद विजे अनवसर द्वादश दिन बा बार दिन आज रे महाप्रभु प्रवेश करिछंती आउ तीन दिन परे महाप्रभु सुस्थ होई दिवे ता परे परे महाप्रभु तो आज ठार सुस्थ होई जाइछंती सुस्थ हेले मध्य महाप्रभुंकर से नीतिकांति अनसर नीतिकांति किंतु चली जोपरि भाव रे महाप्रभुंकर बेहरण द्वार खोली जय विजय द्वार बंद होई बेहरण द्वार खोली थाए से भली भाव रे सहित महाप्रभुंकर मध्य एबे मध्य से भली भाव रे चली थाए समस्त नीतिकांति महाप्रभुंकर जते बेले चली से भली भाव रे महाप्रभुंकर मध्य टिके विलंब होउछि समस्त प्रकार पटी दियंकर नीतिकांति आ महाप्रभुंकर नीतिकांति मध्य कहीं ना महाप्रभुंकर सेपटे नीतिकांति सरी सारा परे परे महाप्रभुंकर समस्त प्रकार नीतिकांति एपटे मध्य पटी दियंकर नीतिकांति होइथाय महाप्रभुंकर जो नीतिकांति आपण दर्शन करुछंती पटी दियंकर ता सहित सिंहद्वार शोभा संपूर्ण भाव रे शोभा को आपण दर्शन करुछंती आसंतु महाप्रभुंकर श्रीमंदिर दर्शन सहित महाप्रभुंकर नाम संकीर्तन को जेपरि भाव रे भजन मध्य श्रवण करिथांती से भजन को श्रवण करिबा किंतु महाप्रभुंकर नाम को मध्य मन भितरे जप करिबा से नाम कण
ना जगन्नाथ 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 पाही माम जगन्नाथ 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 त्राही माम। महाप्रभुंकर नाम भजिबा सहित आसंतु महाप्रभुंकु मध्य दर्शन करथुवा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।